हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक और न्यूमेरिकल के बारे में जो कि पास्ट पेपर में आ रहा है, 2019 में ही आया है ये न्यूमेरिकल। तो आइए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला ये है, डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए, सवाल पढ़कर आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सवाल में ये बता रहे हैं हमें कि वाटर का एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास 300 ग्राम वाटर है। वाटर कितना है? 300 ग्राम वाटर है। उसके अंदर क्या कर रहा है? ग्लूकोज, मान लें चीनी को कह रहे हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, इन्होंने डिजॉल्व कर लिया वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर जब कितना ग्लूकोज, चीनी कितनी डिजॉल्व की इन्होंने? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम चीनी इन्होंने डिजॉल्व कर ली कितने में? 300 ग्राम ऑफ वाटर में। तो जैसे ये वाटर है आपके पास और इसके अंदर ये जो वाटर है इसका ग्राम कितना है हमारे पास? 300 ग्राम। और इसमें कितनी चीनी डिजॉल्व कर रहे हैं? 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या कर रहे हैं? चीनी इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। ये चीनी है यहाँ पर आपके पास रखी हुई, इसको डिजॉल्व करना है इसके अंदर। सो दोस्तों, चीनी जो है वो क्या है? सॉल्यूट। और चीनी इसमें डिजॉल्व हो रही है, ये डिजॉल्व होने में, ये जो डिजॉल्व जिसमें हो रही है ये क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मिकदार में होता है और सॉल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में होता है। सो दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? 18 ग्राम है। और सॉल्वेंट क्या है? 300 ग्राम है। मतलब सॉल्यूट चीनी है और सॉल्वेंट वाटर है जो कि ज़्यादा मिकदार में है और चीनी कम मिकदार में है। सो दोस्तों, आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि गिवन क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास कितना है? 18 ग्राम लिख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है? 300 ग्राम। सॉल्वेंट आपको बताया था वाटर एक सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या? 300 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या? सॉल्वेंट है। और फाइंड क्या करना है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला ये है। सो दोस्तों आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सो इसमें हमें मोलैलिटी के फॉर्मूले में हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सही? मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है? गिवन है। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास चाहिए कितना? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास। और 1000 ये रहा। और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना ग्राम है? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 300 ग्राम। तो 300 कोट करा देंगे। तो हमें सिर्फ एक चीज़ अभी यहाँ पे नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास। अगर हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसमें मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या था? सॉल्यूट। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास? C6H12O6। तो इसका हमने क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। कार्बन कितने? 6 कार्बन है। देखिए C6H12O6 कार्बन कितने? 6। तो 6 मल्टीप्लाई कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12। तो 12 बीच में प्लस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 12। तो हाइड्रोजन 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। बीच में प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 6। तो यहाँ पर 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो यहाँ पर 16। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा 180। तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या आया? 180 आया। तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी अब मालूम हो गया, मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों में से कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी थी तो आपने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लिया। तो आपको ये वाली चीज़ ही पता है और ऊपर ये वाली चीज़ ही पता है, दोनों चीज़ें पता है। ये 1000 ग्राम ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है, ये तो पता है। और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर? 300। तो आपको ये चीज़ ही पता है। तो आपको ये भी पता है, यही पता है, यही पता है, यही पता है, बस आप मोलैलिटी की वैल्यू इसको पुट करा दें। तो आइए पुट कराते हैं मोलैलिटी की वैल्यू। स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 18। तो आपने 18 पुट करा दिया। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वो कितना है? 180। तो आपके पास यहाँ पे लिखा 180 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ 1000, ये रहा 1000। और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 300 ग्राम। तो आपने यहाँ पर 300 ग्राम लिख दिया। तो दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये 18 से ये पूरा 18 कैंसिल। तो आपके पास आंसर ये आ गया 1/3।
वन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.33। तो दोस्तों आपने मोलैलिटी फाइंड कर ली है 0.333, तो आपने इसके यूनिट देख दिया स्मॉल है। तो दोस्तों आपका ये रहा रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्तों हमने क्या फाइंड आउट करा है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन था, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन था। मास ऑफ सॉल्यूट जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ग्लूकोज क्या है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर। तो सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ये दोनों चीज़ें पता है। आपको मोलैलिटी फाइंड करनी थी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है। मोलैलिटी के फॉर्मूले में तीन चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मास ऑफ सॉल्यूट, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया है 1000, ये तो सब फॉर्मूले में है, और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आपको गिवन था। आपने इन सबको वैल्यूज को यहाँ पुट कराया, कैंसिल आउट करी, कैलकुलेशन वगैरह आपने परफॉर्म किया, उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई m = 1/3, और आखिर में रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो दोस्तों ये रहा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल एजुकेशन सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमने वीडियो में भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है, तो आप वहाँ पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों लास्ट तक रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।